नया एक दौर है जो कि शुरू हुआ 2018 में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की सियासत का, 22 साल जदोजहद और एक खास पर्पस के लिए। अब वो वक्त गया कि मफाद परस्ती और करप्शन की सियासत होती थी, अब मफाद परस्ती और करप्शन की सियासत आखिरी सिसकियां ले रही है, जो आपको गाहे बगाहे मुख्तलिफ दिनों पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सुनाई देती है, आजकल भी सुनाई दे रही है। तो अब वो दौर खत्म होने वाला है, अब अवाम की खिदमत और अब मुल्क को आगे ले जाने की सियासत होगी। कई चीज़ें होती हैं जो कि वक्त लेती हैं, 2 साल में हम मुल्क को बिल्कुल तब्दील नहीं कर सकते, अभी भी हमारे चैलेंजेस हैं और महंगाई का चैलेंज, फिर हमने कल भी बात की थी, हम आज फिर इस बात का इतराफ़ करते हैं कि जो महंगाई की वजह है उसकी भी मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है ये। शायद खुर्दनोश खास तौर पर आटा चीनी इस किस्म की जो बेसिक असेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जो कि आम आदमी के इस्तेमाल में आती हैं, उसकी फराहमी वो तो अल्लाह ताला के फजल से है, लेकिन उसको कीमतों को कम लाना ये हमारी इस वक्त सबसे प्राइम मिनिस्टर साहब की पहली प्रायोरिटी है, और दूसरी भी प्रायोरिटी यही है और तीसरी प्रायोरिटी भी यही है, क्योंकि असल मकसद ये है कि अवाम को रिलीफ देना, क्योंकि कोविड के बाद हमारी इकॉनमी माशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से कई चैलेंजेस को उबूर करते हुए उसमें जान आ गई है।